हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिकास कलेक्शन में आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिलेट के नूडल्स हैं। ये फॉक्सटेल मिलेट है, स्लर फार्म की तरफ से मुझे ये आया था। मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल में, जिसमें स्लर फार्म ने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिसमें से ये चाउमीन भी निकले थे। चाउमीन मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है घर में, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मिलेट कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि बेसिकली तो हम मार्केट से जाके फटाफट खा लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मिलेट का है तो इसको स्पेशल बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए घर में ही बढ़िया से बनाया जाए। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स इसमें काट लिए हैं, कुछ शिमला मिर्च काटे हैं, मेरे पास ऑलरेडी शिमला मिर्च रखे थे। शिमला मिर्च ऐसा हो गया है कि एक ही शिमला मिर्च दो तीन कलर का हो गया, क्योंकि जब थोड़े दिनों का हो जाता है तो थोड़ा रेड भी हो जाता है, थोड़ा येलोइश भी हो जाता है, तो ये सभी तरीके का बन गया। तो मैंने उसको फ्लेवर, उसको अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसको लंबे लंबे स्लाइसिस में इसको काट लिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज होममेड चाउमीन, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसे होता है। मैं आपको ज़रूर फीडबैक दूँगी, लास्ट तक मेरा वीडियो देखना, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन ज़रूर दबाना। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक स्लर फार्म के जो मिलेट चाउमीन होता है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है, उस रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप घर में झटपट कैसे चाउमीन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च कट कर लिए हैं, लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है, पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। ऑनियन लूँगी मैं, ऑनियन दो ले लो, तीन ले लो, जितना आपको बनाना है। मैं एक ही पैकेट बना रही हूँ तो मैंने दो छोटे छोटे मीडियम साइज़ के ऑनियंस लिए हैं, उसको लंबे लंबा उसको चॉप कर लिया है। एक पतीले में या एक बाउल में जो भी है आपके पास बर्तन, उसमें आप पानी लेना, पानी में हल्का सा नमक डाल देना, और उसके बाद ये जो भी चाउमीन है आपके पास, ये देखो ये चाउमीन कुछ इस तरीके से है। ये चाउमीन ना गाइस हुआ क्या था ना कि इधर से उधर उधर से उधर पैकेट रखते रखते ये, मतलब ये लंबे लंबे जो जैसे चाउमीन असली में होते हैं वैसे नहीं, थोड़े से टूटे टूटे से हो गए, पर कोई नहीं, जाना तो पेट में ही है भाई। तो फिर मैंने ये इसको डाल दिया है, और इसमें एक ये ऐसा पाउच आपको मिलेगा, मसाला इसका ऑलरेडी रहेगा, तो ये मैंने इसको अलग कर लिया है। तो इसको मैं बॉईल करूँगी अच्छे से, और एक साइड में कढ़ाई ले लूँगी, और उस कढ़ाई में मैं इसका जो मसाला है वो तैयार करूँगी। तब तक ये हमारा जो चाउमीन है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कुछ दो बड़े चम्मच तेल इसमें डाला है, आप कोई भी तेल डाल सकते हो, लेकिन वेजिटेबल ऑयल अच्छे से, सोयाबीन ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हो। और इधर देखिए ये जो मेरे चाउमीन हैं ये टूट गए हैं थोड़े से, पर ठीक है, खाने के लिए बेस्ट हैं। तो ये इस तरीके से मेरे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, और उसके बाद इस कढ़ाई में जो मैंने तेल डाला है इसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स, यहाँ पर मैंने एक दो बड़े लहसुन के कलियां भी लिए हैं, उसको भी फाइनली चॉप कर लूँगी, और ये सारा एक साथ ही मैंने डाल के इनको सॉटे कर लेना अच्छे से। और जब ये हल्का थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें मैं बाकी चीज़ें मिक्स कर दूँगी, जैसे कि इसमें जो भी मसाला वगैरह या जो भी हमारे सॉसेस हैं वो, ये सारे सॉसेस हमने निकाल लिए हैं साइड में, तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सॉसेस में डालना है। तो देखिए मैंने इसको छान लिया है, एक सीव की सहायता से इसको छान लिया। इसमें जैसे ही आप बाहर निकालोगे तुरंत ठंडा पानी डाल देना, इससे क्या होगा कि ये जो आपके चाउमीन हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं, सारे सेपरेटली रहेंगे। तो ये अच्छे से मैंने इसको छान लिया है, ये हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। जो भी वेजिटेबल हमने, आप कुछ भी वेजिटेबल है, पत्ता गोभी, मटर, जो भी आपको डालना है डाल देना, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। ये जो मसाला इसके साथ आया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको जब ये पका रहे हो मसाला तो अपना जो गैस का जो फ्लेम है वो स्लो कर देना। अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं ऑसम के प्रोडक्ट्स है मेरे पास। ये मैंने सोया सॉस लिया, मैंने अंदाज़े से डाल दिया, आप एक चम्मच डाल देना, एक चम्मच आप ग्रीन चिल्ली सॉस डाल देना, और एक चम्मच आप ये रेड चिल्ली सॉस डाल देना, और इसके बाद आप इसमें विनेगर डालना। विनेगर आप कोई सा भी डाल सकते हो, मेरे पास जो विनेगर है वो डिसानो का और एप्पल साइडर विनेगर है, वो मैं इसका एक चम्मच इसमें डाल दूँगी,
ताकि हमारा जो चाउमीन है उसमें थोड़ा सा खट्टापन सा आए। और थोड़ा सा एक चम्मच हम ये टमाटो केचप डाल देंगे। सो ये सब डालने के बाद हमारा ये जो मसाला इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब ये जो हमारे जो चाउमीन जो बॉईल हो गए थे वो रख दिए। देखिए मेरे तो चाउमीन कम ये सेवइयाँ ज़्यादा लग रहे हैं, बट ठीक है ये काफ़ी टूट गए ना इसलिए ये ऐसे लग रहे हैं, वरना ये अगर टूटते नहीं तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी जिसमें इसका दूसरा फ्लेवर भी है उसको भी मैं बनाऊंगी तो भी दिखाऊंगी, लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा है गाइस। देखिए प्लेट में मैंने सर्व करा है और ये कितना ही अच्छा दिख रहा है, कितना ही यमी। जैसा ये दिख रहा है ना गाइस उतना ही यमी और टेस्टी है इसमें। और ये सारा डालने के बाद मैं तो जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। आप भी इसको बनाइए, खाइए, हेल्दी है, कोई मैदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।